एक चीज मैं आपसे क्लासमेट का क्वेश्चन है आपसे, आई होप आप इसको बहुत ही सपोर्ट नहीं लेंगे। रिसेंटली सैफ अली खान करंट के शो में गए थे, उन्होंने कहा था कि वो आपको करियर एडवाइस देना चाहेंगे अगर ऑप्शन जब मुझे मिल जाएगा। आप क्या, आपका क्या रिएक्शन होगा इस चीज़? यार सैफू मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, सैफू आई थिंक जिस स्पेस में आज है ही इज़ बियॉन्ड एडवाइस, बट उसकी जो बिटिया रानी है सारा, जिसको मैंने आई थिंक जब अमृता जी ने मेरी मॉम का रोल प्ले किया था शूट आउट में, तब सारा और इबू इब्राहिम मेरे सेट पे आए थे और इतने थे, और हाल ही में मैं हैदराबाद जा रहा था अपनी शूटिंग करने के लिए और मेरे बगल में एक छोटी सी मतलब यंग सी लड़की बैठी है ना, सर इसको कहीं देखा हुआ है? एंड शी सेड हाय, एंड आई रियलाइज सर ये सारा है, तो सारा इतनी बड़ी हो गई है, तो अभी हम थोड़े से ओल्ड हो रहे हैं ऐसा महसूस हो रहा है, बट सो नाइस टू सी हर, इतनी प्यारी बच्ची, इतनी अच्छी बच्ची, लुकिंग सो गुड, डूइंग सच गुड वर्क, आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर हर एंड आई थिंक बोथ द पेरेंट्स शुड बी वेरी वेरी प्राउड फॉर सारा। विवेक, एक चीज़ मैं आपसे क्वेश्चन है आपसे, सैफू मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, सैफू आई थिंक जिस स्पेस में आज है ही इज बियॉन्ड एडवाइस, बट उसकी जो बिटिया रानी है सारा, जिसको मैंने आई थिंक जब अमृता जी ने मेरी मॉम का रोल प्ले किया था शूट आउट में, तब सारा और इबू इब्राहिम मेरे सेट पे आए थे और इतने थे, और हाल ही में मैं हैदराबाद जा रहा था अपनी शूटिंग करने के लिए और मेरे बगल में एक छोटी सी मतलब यंग सी लड़की बैठी है ना, सर इसको कहीं देखा हुआ है? एंड शी सेड हाय, एंड आई रियलाइज सर ये सारा है, तो सारा इतनी बड़ी हो गई है, तो अभी हम थोड़े से ओल्ड हो रहे हैं ऐसा महसूस हो रहा है, बट सो नाइस टू सी हर, इतनी प्यारी बच्ची, इतनी अच्छी बच्ची, लुकिंग सो गुड, डूइंग सच गुड वर्क, आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर हर एंड आई थिंक बोथ द पेरेंट्स शुड बी वेरी वेरी प्राउड फॉर सारा।